40 से आप 50 कर 50 कर देते हैं। ठीक है सर, ठीक है। पानी के टैंकर और घुमाना भी बनना है। गरम पानी आ कैसे करते हैं? ये पानी सारे स्टॉक हर एक किसान हर अल्टरनेट दो दिन इसलिए 10.10 टैंकर और बढ़ा 40 है जी, 40 से आज 50 कर दो, आज 10 और बढ़ाने हैं। ठीक है, 10 टैंकर और बढ़ाने हैं जी। साहब आप शाम को रिपोर्ट करवा लीजिए, देखो आपका लिस्ट चेक करेगा। 10 तो पानी के टैंकर बढ़ाओ, 10 बढ़ा देते। अच्छा, एक अपना 10 पानी के टैंकर बढ़ाओ। ये जो सारे शौचालयों की सीट है इनकी साफ सफाई थोड़ी बढ़ाओ। ठीक है, सीट में साफ सफाई में कमी पड़ी है। चेयरमैन साहब ठीक है, जा रहे सारे टॉयलेट्स की सफाई में थोड़ा सा और क्लियर और प्रॉपरली। ठीक है, पानी से एक बार दिन में बीच में सफाई कराओ सारे जो, और इसकी भी मुझे लगता है शौचालय भी कुछ शायद बढ़ाने पड़े। जैसी डिमांड होगी वैसा वैसे बढ़ा देंगे। उम्मीद में दुनिया कायम है, मैं उम्मीद करता हूँ। और आज आत्मा रोती है, मैं प्रवीण आपको बताऊँ, आज आत्मा रोती है हमारी कि 100 से ज़्यादा की कुर्बानी होगी। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने जो लिस्ट निकाली किसानों की, लगभग 2 महीने हो गए। आप देखते हो हर दो चार दिन में मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे संख्या बढ़ी, एक एक करके पोल बढ़ता गया। पहले शुरू में केवल 5 पानी के टैंकर लगे थे, आपको याद होगा वो दिन। आज 40 पानी के टैंकर लगे और मैंने 10 और बढ़ाने की बात कही। तो संख्या बल यहाँ भी बढ़ रहा है, जो लोग किसान कुर्बानी दे रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है, निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। मगर सरकार कोई परवाह ही नहीं कर रही। अगर किसान के लिए नहीं तो इंसानियत के लिए तो कम से कम अपनी प्रजा ही, हम प्रजा ही होंगे किसान सरकार की, लोगों ने ही कुर्सी में बिठाया होगा, तो कम से कम इंसानियत के नाते सरकार को इसका आज समाधान निकालना चाहिए, 26 से पहले निकालना चाहिए। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सरकार से। और तो क्या कहें, लड़ाई तो लड़ी रहे। तो ये सरकार की एक जाति है, राज्यपाल समय दे नहीं रहे हमारे को, जो है कोई जो विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं ताकि सरकार पे दबाव बने कि अविश्वास प्रस्ताव किसान के मुद्दे पे, किसान के बैनर के नीचे सारा विपक्ष एक हो जाए और सरकार पे दबाव बने, सरकार किसान की मांग माने। मगर राज्यपाल टाइम ही नहीं मिलते रहे। मेरा राज्यपाल महोदय से कहना है तो हरियाणा के राज्यपाल जी से, हम उनका आदर करते हैं, मगर वो अगर जो है अपना अगर समय नहीं दे पा रहे, ना विधानसभा ना अपने विधायकों को मिलने का समय नहीं राज्यपाल जी के पास, तो यानी कि अपना कर्तव्य नहीं कर पा रहे। और कर्तव्य नहीं कर पा रहे तो मैं समझता हूँ कि राज्यपाल जी को मंथन करना चाहिए। देखिए, कोई किसी का व्यक्तिगत कोई क्या करता है वो अपने उस पर जगह, मगर जो भी विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, चाहे वो 26 जनवरी के बाद रामकरण काला जी ने कहा है, चाहे अभय चौटाला जी ने कहा है, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई वो इस ये समय सरकार के खिलाफ किसान के बैनर के नीचे सारे विधायक एक होकर, विपक्ष एक होकर सरकार को गिराए, ताकि संदेश जाए कि जो सरकार अपने किसानों से टकराएगी, हरियाणा सरकार जैसे टकराई है, वो सरकार चूर चूर हो जाएगी। ये संदेश जाने के लिए सरकार को गिराना जरूरी है, वो हिम्मत जुटाएं और मोदी और खट्टर और अमित शाह के खिलाफ विधानसभा जाके वोट डालें। तो वोट डालने से बचने के लिए इस्तीफा देने की बात करके कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है एकजुट होना चाहिए और किसान के बैनर के नीचे एकजुट होना चाहिए। सारा विपक्ष से मैं कहना चाहता हूँ, एकजुटता से जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन में, अविश्वास प्रस्ताव में इस सरकार को गिराएं, क्योंकि इतना किसान से टकराने के बाद भी अगर इस सरकार को हम चकनाचूर नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अविश्वास प्रस्ताव में 1-2 वोट की कमी रह जाए। और 100 से अधिक किसानों की अगर मृत्यु हो चुकी हो, 10 से ज़्यादा बार बातचीत हो चुकी हो, तो सरकार और कितनी असंवेदनशीलता दिखाएगी। सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए और आज किसानों के हक में तीनों बिलों को वापस लेके इस गतिरोध को समाप्त करे। प्रजा की बात मानने से कोई सरकार या कोई शासक छोटा नहीं होता, किसी की हार नहीं होती। ये आज हम सरकार से गुहार करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं आज मेरा कोई समाधान निकलेगी। समाधान निकल क्यों नहीं रहा? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी, मैं नमन करता हूँ एक अनुशासन से और शांति से जिस तरीके से किसान संघर्ष कर रहा है। ये देश का किसान हमारा एक बहुत ही नमन का पात्र है। आज हर किसान को और हर देशवासी को अपने देश के किसान पर गर्व है कि अनुशासन शांति यही एक लोकतंत्र में सफल संघर्ष का एक रास्ता है। कि
स्ट्रेटिक होकर किसान चल रहे हैं। और इतनी जैसे मैंने कहा कि 100 से ज़्यादा आज भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा ने जो लिस्ट जारी करी जिन्होंने जान गंवा दी, उसके इतनी कुर्बानियों के बावजूद आपने देखा कि कोई जो है कोई अपना मनोबल में कहीं से कोई कमी नहीं दिखाई। जिस तरीके से हालात जा रहे हैं 26 जनवरी की तरफ बड़े टकराव हो सकता है। जो किसान यूनियन के कुछ एक वरिष्ठ नेताओं ने जो बात की कि हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते और कोई जो भी वो ट्रैक्टर आता भी निकाल देंगे शांतिप्रिय अनुशासन के तरीके से कहीं ऐसे रूपरेखा में निकाल देंगे कि टकराव ना हो, तो इस बात का मैं स्वागत करता हूँ कि किसान यूनियन एक जिस तरह की भाई अगर जो है जो भी कोई अगर प्रदर्शन करे कोई संघर्ष करे तो वो बिल्कुल अनुशासन और शांति से नियमित से तौर पर किया जाए। अधिकारियों को भी स्थल पर बैठे रहेंगे और किसी तरीके की ना पानी की ना खाने पीने की ये टॉयलेटों की साफ सफाई जरूर रखो जी। अपना आपकी ड्यूटी है। अच्छा आप चीफ सेक्रेटरी आपका कैसा नाम है? रणवीर सिंह। और आप सुनील जी। सुनील सुनील उषा जी। अच्छा ऐसा ही कहाँ से हो चौकल साहब? क्या है पास मेरा गाँव कौन सा गाँव है? हमारी दादी के गाँव के आप उठा साहब तेरा कौन सा गाँव है? उठा साहब आप मेरे दादी के गाँव के हमारे हो हमारे हैं तो हमें आप